नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 46 सेक्टर 11 कुर्सी पार में नवयुवक कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति द्वारा लगातार 28वें वर्ष के प्रवेश करते हुए कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। यह जन्मोत्सव एक दिन के बजाय 3 दिनों का होता है, जिसमें समिति के सदस्यों के अलावा पूरे क्षेत्र के लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को अब श्री कृष्ण जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है और ऐसा करते हुए यह कार्यक्रम अब एक दिवसीय नहीं रह गया है। अब इस कार्यक्रम के तहत 2 से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 11 कुर्सीपार वार्ड क्रमांक 46 के नवयुवक कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति द्वारा भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहाँ एक ओर बच्चों के लिए कुर्सी दौड़ रखी गई, तो वहीं हर उम्र की महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग आयोजन किए गए थे। इन आयोजनों में क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और समिति के लगातार बढ़ते दायरे के लिए उन्हें बधाइयां दी। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कौशिक ने रविवार की संध्या स्थापित की गई राधे कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष प्रेम भाव से आरती करके उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर डीजे की थाप पर पूरे शहरवासी और समिति के सदस्य झूमने लगे और रास्ते में जगह जगह पर बांधी गई दही हांडी को भी समिति के सदस्य फोड़ते चले गए। जिन जिन गलियों से यह शोभा यात्रा गुजर रही थी, उन गलियों में पांव रखने की जगह तक नहीं बन रही थी और लोग अपने घर की छतों पर चढ़कर श्री राधे कृष्ण के जोड़ी के दर्शन बड़े प्रेम भाव से कर रहे थे। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सचिव की तरफ से ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को कार्यक्रम की जानकारी दी गई। और यह हर साल प्रतिवर्ष के बाद इस वर्ष भी 4 दिवसीय यह प्रोग्राम का कार्यक्रम रहता है और यह कार्यक्रम विगत 28 वर्षों से मनाते आ रहे हैं और जिसमें कि हमारे वार्ड के सभी माता बहनें और धूमधाम से धर्म रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं भगवान कृष्ण का। जैसे कि पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का डंका बजा है, वैसे ही हमारा भारत पूरे विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं भगवान कृष्ण राम कृष्ण का हमारा प्रचार प्रसार पूरा विश्व में फैलते रहे और भारत का डंका पूरे विश्व में चलता रहे। गीता भगवान कृष्ण का हर एक कार्य हम ऐसी धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग चार दिन का प्रोग्राम रहता है। पहला दिन दही बोर्ड, दूसरा दिन बच्चों लोग का संस्कृति प्रोग्राम, तीसरा दिन भंडारा, चौथा दिन फूड़ी कबड्डी, ये सब चीज़ रहते हैं। हाँ, इनाम की व्यवस्था रहती है। कौन कौन शामिल हुए इसमें हमारे वर्तमान विधायक जी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। राज्यमंत्री सुश्री निधि लोधी भी आने वाली थी, लेकिन उन लोग का बैठक रायपुर में हुआ तो उन लोग रिटर्न चले गए। अभी वर्तमान में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी और चरौदा के पूर्व महापौर चंद्रकांता मांडे जी दीदी पहुंची थी। विधायक महोदय का कहना है कि यह महापर्व हर वर्ष के बाद इस वर्ष बड़ा धूमधाम से मनाते रहें और हमारा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़े और भारत फिर से एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ऐसा हम सब कृष्ण जन्मोत्सव समिति का एक संकल्प है। अब हमारा संकल्प भगवान का संकल्प एक है। जय जय। सर, हमारा प्रोग्राम पहले दिन वही बच्चे लोगों का खेल कूद, कबड्डी वबड्डी, क्या बोलते हैं, कुर्सी दौड़ और बहुत से प्रोग्राम, डांस उस होता है सर, हर वर्ष होता है सर। बहुत 28 वर्ष सर हम प्रयास बड़े धूमधाम से कर रहे हैं सर। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरे बस्ती वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी माताओं बहनों जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाइयों बहनों, सब बहुत अच्छे से हम लोग के साथ सहयोग देते हैं सर।
बहुत सर, बहुत बहुत ज़्यादा होता है सर। हमारे मोहल्लेवासी हमारे साथ हैं, देख लो सर अभी भी बहुत, हर कोई अपने घर से आते हैं सर, अभी बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, हर साल बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और धीरे धीरे सर हम लोग और परिवर्तन कर रहे हैं सर, बढ़ते जा रहे हैं, छोटे से आज बड़े हुए सर 28 वर्ष हो गया करते। नव युवक कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति प्रतिवर्ष यह प्रयास करती है कि विगत वर्ष से अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर पाए और इस प्रयास में प्रतिवर्ष समिति अपना 100% योगदान देकर सफल होती भी नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।